नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में आज हम लोग एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्या होगा हमारी चर्चा का विषय दैट वुड बी सिमलीपाल प्रोटेक्टेड एरिया या फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे सिमलीपाल प्रोटेक्टेड एरिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है तो हमारी चर्चा का विषय रहेगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुहिम में लगी हुई है सरकार सो वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट ग्रीन एजी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है इन दिस सिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व ना सिर्फ वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको और भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रोजेक्ट ग्रीन एजी के बारे में तो मिलेगी ही मिलेगी कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है सिमलीपाल प्रोटेक्टेड एरिया के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो काफी जरूरी चर्चा रहेगी जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साहेगांव कर आप मुझे इस साइड पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट स्टडी आईक्यू या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से सो नो मोर अबाउट अस चलिए चर्चा शुरू करते हैं बट टॉकिंग अबाउट सिमलीपाल सिमलीपाल नेशनल पार्क या फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलता है उड़ीसा में उड़ीसा के मयूरभंज रीजन में ये आता है ये देखा गया है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में इस प्रोटेक्टेड एरिया में काफ़ी ज़्यादा बायोडावर्सिटी लॉस देखी जा रही है क्यों बिकॉज ऑफ़ केमिकल बेस्ड फार्मिंग बिकॉज ऑफ फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज इस एरिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या कि कोई एक लैंड एरिया देखेंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे जैसे ही फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी तो वो मूव करेंगे अगले रीजन पे अगर फॉरेस्ट भी है उसे काट के लैंड बनाया जाता है यूज फॉर एग्रीकल्चर देन डिस्कार्डेड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पैटर्न तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अभी प्रोजेक्ट ग्रीन एजी की शुरुआत हो चुकी है इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व अक्टूबर 2021 से ही इसकी इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है तो हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा प्रोजेक्ट ग्रीन एजी है क्या लेट एस टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट ग्रीन एजी ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है इनफैक्ट यह दो में लॉन्च किया गया था कौन इसमें इन्वॉल्व है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है इसके अलावा जी ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग जानेंगे अंत में लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट ग्रीन ए इट इज बींग रन बाई एफ इसकी फंडिंग आ रही है जी से और इंडिया स्पेसिफिक है ग्रीन ए ग्रीन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन बेनिफिट्स तो क्या करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रीन एजी में सिंपल सी चीज़ें एफ और जी जो फंडिंग दे रहा है दे विल ट्राई टू इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी दे विल ट्राई टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और सस्टेनेबली एग्रीकल्चर को कैसे बिल्ड करें इंडिया में इस प्रोजेक्ट में पांच लैंडस्केप्स को सेलेक्ट किया गया वो पांच लैंडस्केप्स है मध्य प्रदेश का चंबल लैंडस्केप मिजोरम का डंपा लैंडस्केप राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप उत्तराखंड का जिम राजा राजाजी लैंडस्केप और ओडिशा का सिमलीपाल है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है अक्टूबर दो से तो ये प्रोजेक्ट ग्रीन एजी में क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया एफ इसको लीड कर रहा है फंडिंग आती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से छह साल के लिए इसको फंडिंग आएगी प्राइमरीली जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाएंगे बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट लैंडस्केप्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके ऊपर काम चलेगा और इन सब चीजों में ये देखा जाएगा कि किसी की भी लाइवलीहुड पर कोई इम्पैक्ट ना आए ऑल दिस थिंग इज डन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एटसेट्रा ऑल द चेंग डन बाई इन्श्योरिंग दैट द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डवेलर्स लाइवलीहुड ऑफ अदर फार्मर्स इज मेंटेन कंटिन्यूसली तो क्या होगा इस प्रोजेक्ट ग्रीन एजी में फोकस किसपे रहेगा फोकस रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। जैसे कि मैंने आपको बताया केमिकल बेस्ड फार्मिंग की वजह से फर्टिलिटी कम हो रही है प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकस साथ, पे फोकस रहेगा साथ ही साथ एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस रहेगा जो भी फंडिंग आएगी जो भी स्टेप्स रहेंगे उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा ऑलरेडी जो हमारे रनिंग मिशन हैं और रनिंग स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन फूड सिक्योरिटी मिशन नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और जो हमारी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन सब चीज़ों में इंटीग्रेट किया जाएगा तो प्रोजेक्ट ग्रीन एरिए से जो फंडिंग आएगी जो इनिशिएटिव्स रहेंगे दे विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ मेनी अदर मिशन इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट ग्रीन एजी में ऑलरेडी लेट एस टॉक अबाउट दी प्रोग्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया अक्टूबर 2021 से इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है शुरुआती दौर में अभी लैंडस्केप असेसमेंट चल रहा है और इस लैंडस्केप असेसमेंट में यह देखा गया है कि बारह विलेजेस के ऊपर इंपैक्ट होगा जहां पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाला है ट्वेल्व विलेजेस वहां पर आएंगे आठ लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा जो ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी है उससे इंडिया के लिए फंडिंग आई है 33.5 मिलियन डॉलर्स जिसमें से सिमलीपाल ओडिशा के लिए ऑलमोस्ट 8 मिलियन डॉलर्स जा चुके 7.9 मिलियन डॉलर्स टू बी प्रिसाइज और इनिशियली इस असेसमेंट स्टेज में ही फोकस इस पर है कि कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग को हम लोग वापस ले आए ट्रेडिशनल फार्मिंग विच इज इस सस्टेनेबल इसके अलावा फोकस ये भी है कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि क्रॉपिंग सिस्टम्स कैसे डाइवर्स बनाएं ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू डाइवर्स क्रॉपिंग कैसे लाए और सस्टेनेबली फॉरेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें लाइवलीहुड के लिए क्योंकि अगर हम लोग बात करें सिमलीपाल में बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स भी यहाँ पे मिलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी यहाँ पे तो उनकी लाइवलीहुड मेंटेन रखनी है तो सस्टेनेबली फॉरेस्ट को कैसे यूज करें इसके अवेयरनेस कैंपेन्स चलेंगे इनिशियल स्टेपेट में जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट द प्रोग्रेस ऑल्सो बट नाउ लेट लेटस टॉक अबाउट द अदर थिंग्स विल टॉक अबाउट सिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व सिमलीपाल ओडिशा में आता है मयूरभंज में आता है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम है इसको रन करता है यूनेस्को राइट यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है जहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है जो कोर एरिया है फॉरेस्ट एरिया जो भी ट्रेडिशनल एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है राइट और सिमली का सिमलीपाल का नाम जो है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम सिमुल और सिल्क कॉटन ट्री सिमुल सिल्क कॉटन ट्री का नाम है उसी से नाम इंस्पायर्ड है सिमलीपाल अब आप मुझे बताइएगा ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम और जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में उसकी एक लिस्ट बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ये जो सिमलीपाल का बायोस्फीयर रिजर्व है इसका टोटल एरिया है अबाउट फोर स्क्वायर किलोमीटर जिसमें से कोर एरिया है 845 स्क्वायर किलोमीटर अब देखिए जब भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें तीन रीजन आपको मिलते हैं कोर रीजन बफर रीजन और ट्रांजिशन रीजन तो कोर रीजन ऐसा होता है जहां पे कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है यहां यहीं पे आपको मिलेगा सिमलीपाल नेशनल पार्क भी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी मिलेगा जहां पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है रेयर मेलानिस्टिक टाइगर भी मिलता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज्यादा स्पीशीज आपको मिलेंगे अबाउट टू फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज एलिफेंट्स क्रोकोडाइल्स बहुत सारे एनिमल्स आपको मिलते हैं दो ट्राइब बहुत प्रोमिनेट है सिमलीपाल इस नेशनल पार्क में एक है एरिंगा खारियाज और दूसरा है मनकिडियाज विच आर लिविंग ऑन दी फॉरेस्ट सेल्फ इनके लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे ही चलती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही चलती है तो इन्हें यहीं पे कैसे हम लोग सस्टेनेबली सर्वाइव कर सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर सस्टेनेबली कर सकते हैं इसीलिए प्रोजेक्ट ग्रीन एजी लाया गया है इन सिमले और कौन ला रहा है इसे मैंने बताया आपको इट इज बींग स्पीयर हेडेड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो काम करती है कि कैसे विश्व में हम लोग भूकुमारी को मिटा सकते हैं हंगर को खत्म करना है न्यूट्रिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ाना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है फीएट पानीस फियट पानीस का मतलब है लेट देर बी ब्रेड ये एक लैटिन टर्म है फियट पानीस मींस लेट देर बी ब्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और जैसे कि मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में ही इट इज कंपोज्ड ऑफ 197 मेंबर्स और याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है इन रोम इटली और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ग्रीन एज की फंडिंग आ रही है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज आपको ध्यान रखना है जीई एफ -E -E क्या है एक फैसिलिटी यहाँ पे नाम दिया हुआ है फंड नहीं है लेकिन यहीं से फंडिंग आती है प्लीज़ रिमेंबर द नेम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू फंडिंग विच इज़ रिलेटेड टू डॉलर्स तो ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में जो हम लोग रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसके बाद ये शुरू हुआ था ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी ताकि दूसरे देशों को कैसे सस्टेनेबली डेवलप करें कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकें इन सब चीज़ों को फाइट करने के लिए ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी बनाएगी और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इनकी नोडल एजेंसी है वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही सारा पैसा डिसबर्स होता है टू ऑल द अदर कंट्रीज जैसे इंडिया को भी मिल रहा है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है ये फंडिंग देता है स्पेसिफिकली फॉर सम कन्वेंशन इसको आपको याद रखना है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर फाइव कन्वेंशन एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स अनदर वन इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड फाइनली याद रखना है आपको मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये जो मिनामाटा है ये जगह कहाँ आती है With that question and with all these details, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.